हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैरिस्टर बाबू के अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में। हाँ, आपने जो थंबनेल और टाइटल में पढ़ा वो बिल्कुल सही है। अपकमिंग एपिसोड में अनिरुद्ध और बोंदिता की शादी होने वाली है। और ये मुझे कैसे पता चला? शायद आप लोगों ने भी मेरे जैसा पहले न्यू मॉन्टेज को ध्यान से नहीं देखा। हाँ, मैं आप लोगों को समझा के कहती हूँ। पहले जब न्यू मॉन्टेज बाहर आया था तो मैंने भी उसे बाहर से देखा था, पर जब मैं कल रात उसे जूम करके देखा तो मुझे पता चला न्यू मॉन्टेज में बोंदिता की माथे पे सिंदूर था और अनिरुद्ध बोंदिता की एक साथ मॉन्टेज है। इसका मतलब दो गांव की दुश्मनी तो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ काका ससुर और ठाकुर माँ की क्या, ये दोनों तो बोंदिता अनिरुद्ध की शादी होने ही नहीं देगा। इसका मतलब अनिरुद्ध ने सबसे छुपा के बोंदिता की माथे पे सिंदूर लगा दिया। हम सब जानते हैं अनिरुद्ध फितूर में कुछ भी करते हैं, और आप अनिरुद्ध की माथे पे एक ही फितूर है, वो बोंदिता को पाना, और इस वजह से वो बोंदिता को सिंदूर लगा देता है। तो अपकमिंग एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे अनिरुद्ध बोंदिता की शादी तो हो जाएगी, पर शायद वो लोग घर की सारी सदस्य से ये बात छुपाएगी वो शादी कर लिया, यानी कि वो दोनों छुप के शादी कर लेगा। बोंदिता जानबूझ के नहीं करेगा, पर अनिरुद्ध ही उसके माथे पे सिंदूर लगा देगा। तो अपकमिंग एपिसोड कितनी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है ये तो आपको पता ही चल गई। अगर हाँ आपको लग रही है मैं झूठ बोल रही हूँ सिर्फ व्यूज़ के लिए, तो जाइए न्यू मॉन्टेज को झूम करके देखिए, तो वहाँ पे साफ साफ नज़र आएगा बोंदिता के माथे पे सिंदूर है। तो आप लोगों को जब यकीन हो जाएगा अपकमिंग एपिसोड में अनिरुद्ध बोंदिता छुप के शादी करने वाली है, तो प्लीज़ आके फिर से मेरे चैनल में कमेंट कर देगा हाँ मैंने सही बोला। तो अपकमिंग एपिसोड देखते रहिए, ऐसे अपडेट पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।